गुड इवनिंग मंडल, कसक का गुड इवनिंग। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ये है कि ये वीडियो शुरू हो रहा है इवनिंग को, क्योंकि सुबह से मैं थोड़ा सा बिजी था और विकास दादा और पापा गए गांव। क्यों गए मैं आज की वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा रेडी होते हैं, चलते हैं फार्म हाउस से, मुझे एक दो फ़ोटो निकालने। फ़ोटो क्यों निकालना है वो कल के थंबनेल में आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे पता चल जाएगा, व्हाट्सअप पे स्टेटस पे भी पता चल जाएगा फ़ोटो क्यों निकालने जा रहा हूँ। तो ठीक है, रेडी होते चलते हैं, बाद में आके देखते क्या सीन है क्या नहीं, सब कुछ दिखाऊंगा आज के अगर ब्लॉग में। धमाल ही धमाल होने वाला है, बने रहिए। माता दादी तो फोटो काटा सके आलेला, दादी फोटो काढून झाले, आता आम्ही जाणार आहे घरी। फोटो कशासाठी काढले ते आपल्याला घरी गेल्यावर समजेलच। आणि कोण सांगणार ते? आई आई सांगणार। सांगितलं तर नाही तर आम्ही सांगू। आम्ही सांगणार आहे, तसं तर आई सांगेल। मोठी अशी येणार, खूप मोठी अशी गुड न्यूज येणार आहे। आता खूप मोठी गुड न्यूज येणार आहे लवकरच, ते आता मी सांगणार नाही। उद्या तुम्ही डीपी मध्ये बघून घ्या, उद्या तुम्ही डीपी मध्ये बघून घ्या। थंबनेल वर पण भेटेल म्हणा, थंबनेल वर पण भेटेल, लाईक पण करा। ओके वेल दोस्तों, जिस काम के लिए आए थे वो तो हो चुका है, फोटो निकालना था, एक दो ही निकालने थे, ज्यादा नहीं, तो वो तो हो चुका है, अभी चलते हैं घर। Few moments later. Good morning दोस्तों। तो दोस्तों कल जो बताना था वो पॉसिबल तो नहीं हुआ, लेकिन आज जरूर बताती हूँ। तो सीन कुछ ये है कि कल घर पे पापा वगैरह नहीं थे ना, आज सुबह सुबह ही आए हैं वो गांव से, और जो आप सबके साथ शेयर करना था, जो आप सबके साथ मुझे बताना था, वो अभी थोड़ी देर में मतलब शाम तक आपको पता चल जाएगा इसी ब्लॉग में। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, सीन ये है, चलो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, आपके भाई की शादी तय हो चुकी है। जी हाँ जी हाँ, 4-5 दिनों से जो आपको ब्लॉग में बोल रहा हूँ कि गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, जो ड्रेस लिया था हमने गेस्ट के लिए, आपको बोल के बोला था गेस्ट के लिए एक ड्रेस लिया है, ड्रेस लिया है पिछले वाले वीडियो में, तो वो था एक मेरी होने वाली वाइफ के लिए। जी हाँ, मेरी शादी तय हो चुकी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मेरी शादी तय हो चुकी है। कैसे हुआ, क्या हुआ, अचानक से, मतलब सब जो भी स्टोरी है ना आपको मेरे मम्मी और पापा के मुँह से सुनने को मिलेगी। तो पापा अभी बाहर गए, उनके आते ही त्यांच्या तोंडातूनच अपन जी पण स्टोरी झालेली ना ती कवर करूयात, उनको बताया बोलेंगे कि पूरा स्टोरी जो भी है वो हमें बताओ कि कैसे हुआ क्या हुआ था, तो आपको भी पता चल जाएगा। फिलहाल चलते बाहर, बैठ जाते उनके साथ, और बाद में पापा आने के बाद स्टोरी स्टार्ट कर देते। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ आपको मेरी शादी तय होने से लेकर आज तक की स्टोरी सुनने को मिलेगी। Few moments later. कहानी की शुरुआत करने से पहले मतलब मैंने आपको बोला था कि मम्मी और पापा बताएंगे, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हुआ, कल रात को भी होता है कुछ, तो चलो मैं ही बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी शादी फिक्स हो गई है, कैसे हुआ, अचानक क्या हुआ, सब कुछ मतलब बहुत सॉरी बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया वो। लाइक हम गए थे एक महीना पहले गए थे गांव हमारे, और एक लड़की का मुझे बायोडाटा आया था हम पापा के मोबाइल पे, तो हमने वो देखा, फ़ोटो देखा, मैं फ़ोटो वगैरह बगितला, पर तो एज वगैरह सर्व का बगितला थे सर। उसके बाद उसके घर पे गए थे हम, उस जो पहले वाली लड़की, अभी जिसके साथ फिक्स है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली लड़की के साथ वहाँ पे गए, तो मतलब जैसा फोटो पे था वैसा कुछ नहीं था, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ, तो इसीलिए फिर हम घर पे आए, और फिर दूसरे दिन
यहाँ पर गए थे, जिसके साथ अभी मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, तो उसके पास गए और उसका फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, बायोडाटा नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि नहीं था, पता नहीं क्यों। तो हम डायरेक्टली गए उनके घर पे, तो हम उनके घर पे गए और जिसके साथ एंगेजमेंट मेरी शादी फिक्स हुई है, वो आई चाय लेकर, कांदा पोहे लेकर, और फिर पानी, मतलब जो भी होता है वो सिस्टम, वो आई। मम्मी ने मेरे पहले ही देखा था, मम्मी को अच्छी लगी थी, और वो बाहर आते ही मुझे भी अच्छी लगी, मतलब मैंने देखा वो उसकी तरफ, डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन मुझे अच्छी तो लगी थी वहाँ पर भी, और फिर पापा को भी सबको अच्छी लगी थी वो। फिर हम वहाँ से निकल गए, गाड़ी में आते हुए हमारी वही बातें चल रही थी। फिर मेरे जो बड़े चाचा है उनके घर पे हम गए थे, तभी वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, उसके बाद रात को भी खाना वाना खा के उसी के बारे में चल रहा था, क्या करना है ऐसा वैसा। फिर मैंने बोला कि सबसे पहले तो मेरे भाई और मेरी वहनी को भी दिखा देते हैं, तसे मैं दिखा वहनीला आणि माझ्या भावाला दाखवलं ना, त्यानंतर मग बघूयात काय करायचं। तर उनको भी फोटो वगैरह भेजा, उनको भी अच्छा लगा था, लेकिन वो बोल रहे थे हमें सामने से भी देखनी है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है तुम लोग आ जाओ, लेकिन इतने दूर से 550 किलोमीटर जाना आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो इसीलिए पापा बोले और चाचा भी बोले मेरे बड़े चाचा कि इस बार रहने देते, बाद में कभी आ जाना, कोई नहीं। तो ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर हम उनके घर पे चले गए थे, क्योंकि मेरे बड़े चाचा ने वगैरह देखी नहीं थी। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि दूसरी बार मैं नहीं जा सकता, मतलब जो दूल्हा होता है वो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने बोला था नहीं मुझे जाना है बोला, क्योंकि मुझे फिर से एक बार बात करनी है। लेकिन वहाँ जाके फिर से वही सिस्टम चल रहा था। बाकी फिर हम सब देख के घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद वो लोग भी फिर हमारे यहाँ पे आए, मुंबई में जो हमारा घर है अभी ये वाला, वो देखने आए थे, सब कुछ देखा उन्होंने, और फिर वो घर पे गए, फिर यहाँ पे फिक्स हो गया सब कुछ। ऐसा ही कुछ हुआ, बहुत सारे ट्विस्ट आए थे उसके बीच में, अभी सभी ट्विस्ट बताना मुझे लग रहा है कि सभी ट्विस्ट बताने चाहिए, नहीं मुझे लगता है नहीं बताने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, धीरे धीरे आ गया कि ब्लॉग में आपको अभी पूरा जो हमारे घर पे जो क्लाइमेट हो गया है, मतलब जो वातावरण हो गया है ना, वो पूरा अभी शादी का हो गया है। हर टाइम घर पे वही बात चल रही होती है, मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा है अभी। तो बस यही थी कहानी, और अभी एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने वाले, आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि क्या डेट है। कुल मिलाकर बात ये है कि हमारी शादी फिक्स हो गई है, अचानक भयानक। यही थी कहानी। तो ठीक है, ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ही धमाकेदार, एक शादी वाले मूवमेंट में, शादी वाले मूड में, शादी वाली बातें करते हुए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।